नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। वादा कारोबार में गेहूं के भाव में उछाल दर्ज किया जा रहा है। वहीं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से गेहूं की खरीदारी कम होने और घटने की आशंका की वजह से भारत पर रोक लगाने का फैसला किया गया है। देश में गेहूं का दाम एमएसपी से अधिक चल रहा है, जिस वजह से कई देशों में एमएसपी पर गेहूं खरीद की सरकारी प्रक्रिया बंद हुई है। किसान एमएसपी में गेहूं बेचने के बजाय बाजारों में अधिक कीमत पर गेहूं बेच रहे हैं। मसूर में लोकल डिमांड का अभाव रहने और अच्छी आवक के कारण भाव में मंदी रही। मसूर 50 रुपए टूट कर 6,600 रुपए प्रति क्विंटल रह गई है। ऊंचे दामों पर साबूदाने में डिमांड का सपोर्ट नहीं मिलने के कारण कीमतों में गिरावट रही। इंदौर में भी साबूदाने के दामों में करीब 150 रुपए की गिरावट रही। दुनिया भर में भारत की कृषि उपज की मांग लगातार बढ़ रही है। इस बीच पहली बार तुर्की ने भारत से 50,000 टन गेहूं की मांग की है। भारत से गेहूं आयात करने वाले देशों में अब मिस्र के साथ तुर्की भी शामिल हो गया है। इस साल अंतिम चरण में कपास को रिकॉर्ड रेट मिला है, जिसके चलते इस साल कपास के रकबे में बढ़ोतरी होने की संभावना है। लेकिन कपास पर पिंक बॉलवॉर्म की कीट के बढ़ते प्रकोप से किसान परेशान है। यदि कपास को मौसम से पहले लगाया जाता है तो ये अन्य फसलों को भी प्रभावित करेगा। भारत खाद्य तेल आयात करने के लिए नए बाजारों की तलाश में है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष के बाद खाद्य तेलों के आयात के लिए भारत नए बाजारों की तलाश पर विचार कर रहा है। महंगाई की मार से अब कंपनियां भी परेशान होने लगी हैं। उपभोक्ता वस्तुएं बनाने वाली FMCG कंपनियों ने छोटे पैकेट का वजन घटाने का शुरू कर दिया है। रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद सूरजमुखी तेल शिपमेंट बाधित होने और पाम तेल निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के इंडोनेशिया के कदम के बाद मलेशिया खाद्य तेल बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मलेशिया के कमोडिटी मंत्रालय ने पाम तेल उत्पाद की बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से पाम ऑयल निर्यात कर को आधा करने का प्रस्ताव दिया है। दिल्ली NCR में आने वाले दिनों में भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी के IMD ने 13 से 15 मई के दौरान दिल्ली में लू चलने की आशंका जताई है और येलो अलर्ट भी जारी किया है। तो कमोडिटी बाजार से जुड़ी आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। लेकिन और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।